वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रोटीन सैंडविच यानी कि वेजिटेरियन प्रोटीन सैंडविच लेके आई हूं। आपने सुना होगा नॉनवेज प्रोटीन सैंडविच या फिर कोई भी अदर, लेकिन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रोटीन ले पाना, वो भी सैंडविच के, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और जो लोग अंडा तक नहीं प्रेफर करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो उसी का बहुत अच्छा सा मैंने तोड़ निकाला है। क्योंकि जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो सब जानते हैं कि मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग तक नहीं लेती हूँ। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस के प्रोसेस में हैं और बहुत टेस्टी फूड प्रेफर करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी टेस्टी रेसिपी शेयर की हुई है जिससे वेट लॉस होता है, और आगे भी शेयर करती रहूंगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो प्रोटीन जो सैंडविच है, मैं आगे बताऊंगी आपको कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, तो चले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोटीन सैंडविच को बनाने के लिए फर्स्ट ऑल आपको चिक पीस यानी कि जो छोले होते हैं उसे जैसे आप बॉयल करते हैं बॉयल कर लेना है, और एक पैन आपको लेना है। और मैं इस समय जो है वो कोकोनट ऑयल प्रेफर कर रही हूँ, तो हो सके तो आप कोकोनट ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल प्रेफर करिए। बहुत थोड़ा सा अमाउंट में यानी हाफ टेबल स्पून मैं कोकोनट ऑयल लूँगी, उसमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा ऐड करूँगी। स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर्स हैं, आप या कैसा है स्वाइस, उसमें मैं हाफ जो है वो प्याज डाल के उसे बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, यानी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब तक मैं इसे ब्राउन करूँगी। ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस तरह का मसाला ऐड करना चाहते हो। अदरक मैं ग्रेट करके इसमें ऐड करूंगी क्योंकि अदरक का स्वाद बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है, अदरक को बहुत अच्छे से भूनना है, देन उसके बाद आपको सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि सारे स्पाइसेस आपके अकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने बताया आपको वही डालने हैं। मैं इसमें टर्मरिक ऐड करूँगी, कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी, लाल मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, आमचूर पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ करूँगी, क्योंकि देसी तड़का आई थिंक हर इंडियन को पसंद है। जो बाहर के लोग हैं वो अपने हिसाब से उसमें तड़का दे सकते हैं, लेकिन ये जो स्पाइसेस मैंने बताया ये हर इंडियन की पसंद है। और उसके बाद मैं इसमें चिक पीस डालूंगी, और चिक पीस को तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका जो पानी है वो सूख नहीं जाता है। तेज गैस पे जो है वो जो गैस की गैस है उसे आपको अच्छे से तेज रखना है ताकि पानी बहुत जल्दी से सूखे। और इन चिक पीस को आप अपने फ्रिज में हमेशा बॉयल करके रखिए ताकि कभी आप इसका सैलड बना के खा सकते हो, कभी आप ऐसे कर सकते हो, कभी आप इसकी टिक्कियाँ सेक के खा सकते हो। और अब मैं इसमें चाट मसाला, क्योंकि पानी देख रहे हैं आप सूख गया, चाट मसाला इसमें ऐड करूँगी। देन इसके बाद आपको क्या है, इन चिक पीस का एक भरता रेडी करना है, स्टफिंग रेडी करनी है। और ये ऐसे तो ब्रेड में रुकेगा नहीं, इस स्टफिंग को रेडी करने के लिए मैं इसे मैश करूँगी अपने मैशर से। आप के पास मैशर नहीं है तो आप स्पून की हेल्प से, कलछी की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो ये जो मेरी स्टफिंग रेडी है, और अब मैं आगे दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से इसे लेती हूँ, कभी सेक के लेती हूँ, कभी कैसे लेती हूँ, तो वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो इन सैंडविचेस को बनाने के लिए मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करूँगी, आप चाहे तो मल्टीग्रेन वाली ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको टू स्लाइसेस ब्रेड की लेनी है, आप चाहें तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट है इसे निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकालती हूँ क्योंकि मुझे टेस्टी लगता है ये। और आपको इसे कट करना है, आप चाहे तो बाद में कट करिए चाहे पहले कट करिए, मैं इसे पहले कट करके अच्छे से इसका एक शेप दे देती हूँ क्योंकि बाद में उतना अच्छा शेप नहीं आता है। और ये जो टू स्लाइस, सो आपको जो भी आपने स्टफिंग रेडी की है वो आपको इस ब्रेड में रखनी है। एक स्टफिंग वाला ब्रेड मैंने रेडी कर लिया, उसमें मेरा कैमरा बंद हो गया था तो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन जो दूसरा वाला है वो आपको फिल करके मैं दिखा रही हूँ। आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, आप इसे फ्राई करके भी ले सकते हो। तो आज मैं ऐसे ले रही हूँ, लेकिन कल मैंने फ्राई करके लिया था, उसका भी मैं अभी एक छोटा सा फुटेज आपको दूंगी कि कल मैंने किस तरह से लिया था। और वो फ्राई भी आप जो है इन ब्रेड को आप कैसे सेकेंगे, कोकोनट ऑयल में ही सेकेंगे, बहुत छोटा सा। तो आज मैं ऐसे ले रही हूँ, यानी जो आज का मेरा लंच है वो ये है, और मैं स्मूदी एक भी ले रही हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इन दो ब्रेड स्लाइसों के साथ एक स्मूदी भी ऐड करूँगी, तो पेट काफ़ी देर तक फिल रहेगा मेरा। और ये मैंने कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ऐसे लिया था, कोकोनट ऑयल में अच्छे से सेक लिया था। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे। तो फ्रेंड्स,
आपने देखा इसे बनाना कितना इजी है, हर घर हर लोगों के घर में ये चीज अवेलेबल होती है। और अगर आप इसे खाएंगे जितनी क्वांटिटी में मैंने बोला है, अगर आप इतनी क्वांटिटी में खाएंगे तो आपका वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हो तो वेट लॉस भी इजी वे में होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको इसे लंच और ब्रेकफास्ट में ही लेना है, डिनर में मत लीजिएगा, इवनिंग स्नैक में मत लीजिएगा, मॉर्निंग में ही प्रेफर करिएगा, यानी कि 1-1.5 बजे से पहले आप इसे फिनिश कर दीजिएगा। और टेस्टी बहुत लगता है खाने में, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।